हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल मैग्नेटिज्म, आई मीन मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे लास्ट में मैंने क्या बताया था, पोल स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। तो पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि किसी भी मैग्नेट का प्रॉपर्टीज होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, दूसरे मैग्नेट से क्या करता है, इंटरैक्ट होता है। तो पोल ऑलवेज कहाँ एग्जिस्ट होता है, दोनों एंड पे एग्जिस्ट होता है, है ना। पोल दोनों एक्सेंस, आई मीन पोल स्ट्रेंथ भी कहाँ होगा, दोनों एंड पे होगा, है ना। उसके बाद हमने ये बताया था कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एंड दूसरा जो बताया था वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द मैग्नेट। आई मीन क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट, स्मॉलर विल बी द पोल स्ट्रेंथ, एंड लेसर विल बी द क्या होगा, लेसर विल बी द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने ये देखा था कि पोल, कोई भी बार मैग्नेट को यदि जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है, है ना, स्मॉल m है, और उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यदि लेंथ के परपेंडिकुलर हम करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, है ना। लेकिन लेंथ के अलोंग हम कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पोल स्ट्रेंथ को मैंने क्या नाम रखा था, मैग्नेटिक चार्जेस, आई मीन देयर आर टू एड लाइक एज लाइक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस, दो तरह के मैग्नेटिक चार्ज होता है। नॉर्थ पोल पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको प्लस m कंसीडर करते हैं, और साउथ पोल पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, माइनस m कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम देख चुके थे, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, है ना, क्या होगा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो क्या होगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। जैसे देखो यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, ये जो लाइन होगा, है ना, जो लाइन होगा वो क्या होगा, यही मान लो कि यहां क्या है, नॉर्थ पोल है, और दिस इज क्या होगा, साउथ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब पोल स्ट्रेंथ हमेशा याद रखना कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है बार मैग्नेट के क्या होता है, सेंटर पे, आई मीन इधर से क्या होगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ये मत बोलना कि यहां लाई करेगा, है ना, ऑलवेज कहां, सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट, और इसी को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, इसको मैं एल एम से डिनोट करता हूं, एल एम, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, और एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं, क्या होगा, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, आई मीन इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। तो क्या होगा,
या सिंपल लिख लो यहाँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो देखो यही क्या है, दिस इज, यदि ये बार मैग्नेट है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ जो होता है थोड़ा सा अंदर होता है, आई मीन पोल जो एग्जिस्ट करता है, ये नॉर्थ पोल हुआ और दिस इज क्या हुआ साउथ, तो ये जो होगा हम इसको क्या बोलेंगे, LM, LM, स्मॉल m लिख लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ये क्या होगा, हमेशा याद रखना जो पोल होता है वो एज पे एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियली हम मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, आइडियली हम मान लें कि लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, ज्योमेट्रिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो क्या होता है, एज से थोड़ा अंदर में, दोनों एज से थोड़ा अंदर में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे ऐसे, तो मिनिमम सेपरेशन जो होगा वही क्या होगा, क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन जो होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ होगा, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसको एल जी लिखेंगे, तो सिंपल क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, सिंपल जो दिख रहा है, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो मैग्नेटिक लेंथ जो, ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, जो एक्चुअल लेंथ बार मैग्नेट का दिख रहा है वही क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा। मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, दोनों पोल्स के बीच मिनिमम जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ होगा। तो मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग बट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, व्हाइल ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द क्या होगा, लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, और क्या होता है, आइडियली हम क्या मानते हैं, नोट में यहां लिख लेंगे क्या, यहां कि एल मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एल ज्योमेट्रिकल, आइडियली दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो एल एम इज लेस देन क्या होता है, प्रैक्टिकली जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसका रेशियो एक्सपेरिमेंटली, इसका जो रेशियो फिगर आउट किया गया है कि रेशियो ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ, ये बहुत ही, इससे क्वेश्चन भी आया है इस रेशियो से, तो यहाँ अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रेशियो ऑफ, आई मीन क्या होगा, एल, ये देखा गया है कि एल एम अपॉन क्या होगा, एल जी, आई मीन ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक लेंथ अपॉन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ, एल जी इज इक्वल टू क्या होता है, 0.86, ये याद रखना है, ये क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना, इससे डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा गया क्या है, कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 0.86, क्या होगा, 0.86, रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू
0.86, क्या होगा 0.86, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, क्या है पूछा जाता है। अब आते हैं हम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल, क्या पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक तो कोई भी बार मैग्नेट होता है तो उसमें क्या होता है तो मैग्नेटिक पोल जो डिफाइन किया गया है देखो ध्यान से मैग्नेटिक पोल जो डिफाइन किया गया है वो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल, इसको हम क्या चीज से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम कैपिटल एम से, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा पहले दिस इज नथिंग बट द क्या होगा नॉर्थ पोल है ना, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ क्या है साउथ। तो यदि आप इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे है ना तो यहाँ क्या होगा देखो यहाँ हम क्या करेंगे प्लस एम कंसीडर कर लेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे माइनस एम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ माइनस एम, इनके बीच यदि मैं सेपरेशन कंसीडर कर लूँ 2a, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा इस डिफाइन एस, ये समझ में आने जस्ट क्या हुआ ये क्या हुआ मैग्नेटिक चार्ज हो गया, मैग्नेटिक चार्ज। अब आप क्या करोगे बार मैग्नेट को सिंपल क्या करो रिप्लेस कर दो है ना, क्या करो रिप्लेस कर दो और क्या करो किसे रिप्लेस कर दो पोल स्ट्रेंथ से आई मीन मैग्नेटिक चार्ज से, ये क्या हुआ मैग्नेटिक चार्ज, ये भी क्या हो गया दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। क्या होगा मैग्नेटिक चार्ज भी हो गया और मैग्नेटिक चार्ज, अब सिंपल हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो क्या होता है पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा पोल स्ट्रेंथ है ना इनटू सिंपल हम लिख देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है ये ध्यान देना है। क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ की क्या होगा इक्वल है ना। अब ये समझ में आया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ, तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि एम सॉरी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल एम इंटू क्या लिखेंगे एल एम और इक्वल टू एम इंटू क्या लिखेंगे आई मीन लिखेंगे टू एम, ठीक है। यही क्या हुआ मैग्नीट्यूड है ना, ते या आप एल के टर्म में भी लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं लेना है ना। तो सिंपल क्या होगा एल एम, ये क्या हुआ मैग्नेटिक लेंथ याद रखना है। और ये भी मैं बता दूं कि क्वेश्चन में यदि मैग्नेटिक लेंथ नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं एक्चुअल लेंथ ही क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल लेंथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कंसीडर करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था यार निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं यार कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ द क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर is always from south pole to क्या होगा south pole to north pole, ठीक है। I mean देखो ध्यान से
यही क्या है, यदि ये नॉर्थ पोल है और दिस इज क्या है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। समझ में आया ना? सिंपल याद रखना है, मैग्नेटिक चार्ज इनटू क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बार मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह क्या होता है, ट्रीट किया जाता है। हम क्या करें, कोई भी बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, सिंपल उनके पोल स्ट्रेंथ से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और उनके बीच जो सेपरेशन होगा हम क्या करेंगे, उसी को यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अब क्या होगा, व्हेन मोर देन वन क्या होगा, बार मैग्नेट्स आर देयर, तो मैग्नेटिक, ये समझ में आई बात आपको कि क्या होगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। और यहाँ हमने मैग्नेटिक लेंथ कितना माना है, 2a माना है, तो हमने लिखा m इक्वल टू क्या हो, कैपिटल m इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, m इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल m इंटू क्या होगा, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्या होगा वेन, तो क्या लिखेंगे, वेन क्या होगा, वेन मोर देन वन बार मैग्नेट मोर देन वन बार मैग्नेट्स आर गिवन देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी ऑब्टेंड, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, देखो क्या होगा, या हम लिख सकते हैं द नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज क्या होगा, एम नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन प्लस क्या होगा, एम टू प्लस, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि इफ क्या होगा, ओनली टू मैग्नेट्स, टू बार मैग्नेट्स आर क्या होगा, आर गिवन देन क्या होगा, देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन प्लस एम टू, है ना भाई, क्या हो जाए, ये हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड जब लिखोगे सिंपल वेक्टर की तरह हमको क्या करना है, सोचना है, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ते हमको क्या करना है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर में भी हम पढ़े हैं, तुम लोग मैथ्स में भी वेक्टर पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चंस किए होंगे तुम लोग, है ना। तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल देखो, तो यहाँ ये चीज याद रखना है कि क्या होगा, और भी यहाँ नोट में पॉइंट लिखना है कि क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, ये भी तो आपको लिखना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक, फिर हम आते हैं यहाँ को, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड ऑन क्या होगा, ए में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ,
पोल स्ट्रेंथ एम, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं दैट इज लिख सकते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एम फॉर, क्या होगा फॉर गिवन लेंथ, फॉर गिवन एल एम, है ना। दूसरा क्या होगा बी में हम लिख सकते हैं पोल डिपेंड ऑन क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ और यू बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। दैट इज क्या लिख सकते हैं दैट इज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एल एम, और ये भी लिख सकते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एल सी, फॉर क्या हो गया फॉर गिवन गिवन पोल स्ट्रेंथ के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना कि पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ होगा और क्या होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, जैसे देखो यहाँ ध्यान से देखो कि तो ये तुमको नोट में यहाँ एक और पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है कि इफ मैग्नेटिक लेंथ इज नॉट गिवन क्या होगा इफ मैग्नेटिक लेंथ इज क्या होगा नॉट गिवन देन कंसीडर मैग्नेटिक देन क्या होगा कंसीडर मैग्नेटिक लेंथ देन कंसीडर ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना, देन कंसीडर ज्योमेट्रिकल लेंथ एज क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ एज मैग्नेटिक दैट इज क्या लिखोगे एल एम इज इक्वल टू क्या होगा एच, ये मान लेना है जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं देखो क्या है क्वेश्चन, इस पर देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो व्हेन क्या होगा टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट, है ना, देखो when two bar magnet having magnetic dipole moment M1 and M2 are joined together as shown in the figure below. Find क्या होगा, अब देखो क्या है दिया हुआ है, देखो यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, है ना, यहाँ आइडेंटिकल होता तो देखो यहाँ क्या है नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसका मैग्नेट M1 है, इसका क्या है, ठीक है, ये फिगर वन हो गया, ये ज्वाइंट किया गया है। दूसरा केस आप देखोगे ए नॉर्थ साउथ, दिस इज क्या हुआ साउथ नॉर्थ, है ना, ये फिगर क्या हुआ, देखो इसका अगेन क्या है M1, दिस इज M2, M1 M2 मालूम चला ना, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ, ये फिगर क्या हुआ फिगर बी, फिगर सी में देखो ऐसे दिया हुआ,
ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये एंगल क्या है थीटा डिग्री है, ए एम वन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर क्या हो गया, फिगर डी आप देखोगे तो जस्ट क्या कर सकते हो, इसके अपोजिट कर सकते हो, तो फिगर डी भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये नॉर्थ, यहाँ क्या है, दोनों का साउथ साउथ टुगेदर है। ये फिगर डी में देखो यार, डायग्राम कहीं अलग अलग हो रहा हो तो तुम टेंशन मत लेना, है ना। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, ये एंगल थीटा है। अगेन इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका क्या है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ईच केस, ठीक है। अब देखो क्या करना है, दो ही पॉइंट याद रखना, उसके बाद तो वेक्टर हो गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, साउथ से किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। क्या होगा, साउथ से किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। तो देखो फर्स्ट केस में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ए एम वन हो गया, और दूसरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहां दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। यहां एम, यदि मैं देखो इधर इधर क्या करो, इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई एक्सिस, इधर इधर देखो, इधर एक्स एक्सिस और इधर क्या है, वाई एक्सिस। तो हम यहाँ एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू इंटू क्या हो गया, माइनस आई। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ देखो इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा, तो एम वन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, आई मीन ऐसे, और M2 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ ये फिगर क्या है, तो यहाँ आप जब लिखोगे तो हम लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, M1 प्लस क्या होगा, M2, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि M1 माइनस M2 इंटू क्या लिखा मैंने, माइनस, हमें इधर वाला पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि इफ क्या हो जाए, इफ एम वन इक्वल टू क्या हो जाए, एम टू इक्वल टू एम नॉट मान लें, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, टू एम नॉट इंटू क्या होगा, माइनस आई कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब थर्ड केस और फोर्थ केस में देखो यही कन्फ्यूजन होता है, दूसरा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड केस में आप देखोगे, थर्ड केस में देखो सिंपल क्या करना है, देखो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्या होगा, साउथ टू किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ देखो M1 का डायरेक्शन इधर हो गया, M1 वेक्टर का डायरेक्शन, और M2 का डायरेक्शन किधर हो गया, ये थीटा हो गया है, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं M वेक्टर अगेन इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2। ये कौन से फिगर, हमने C कंसीडर किया, M2, और वेक्टर M का मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 क्या लिखेंगे, cos थीटा। और यदि मैं यहाँ ये जनरल रिजल्ट मैंने लिख दिया, इफ यहाँ लिख लें कि M1 इक्वल टू क्या हो जाए M2, तो देन क्या हो जाएगा, देन आई थिंक डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, है ना, टू एम नट
कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा। ए फिगर सी, फिगर डी में जब आप आओगे क्या हो जाएगा, ए फिगर डी था है ना, फिगर डी में आओगे इसमें, तो यहां देखो डी में क्या है, अलग अलग है ना। देखो M1 क्या होगा, नॉर्थ टू क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, तो M1 का डायरेक्शन क्या है ऐसे, और M2 का डायरेक्शन क्या हो गया ऐसे। ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा है ना। एंगल क्या होगा बता सकते हो आप, ये वाला एंगल होगा, ये वाला दो वेक्टर के बीच एंगल होगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो यहां जब आप लिखोगे रिजल्टेंट लिखोगे तो m वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, और जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, यही मिस्टेक तुम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर सकते हो, लेकिन है ना ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे पीछे एक्सटेंड करें क्योंकि हेड और टेल कनेक्टेड है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा नहीं होगा, क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू क्या होगा कॉस थीटा। और यदि लिख दूं इफ यहाँ कि एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम नट, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो आप, एम इज इक्वल टू क्या होगा टू एम नट साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा बाई, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसमें तीन चार टाइप पूछे जाते हैं है ना, तो इसको हम फिनिश कर लेते हैं आज। इसके बाद आप देखोगे तो अगला जो क्वेश्चन होगा क्या है, देखो अब हम अगला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देखो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, देखो क्या ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज ब्रोकन इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ए में क्या है अलोंग इट्स लेंथ, और बी में क्या है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वही अभी क्वेश्चंस मैंने बताया, ठीक है। देन फाइंड, देन क्या है देन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इन A, in case A and क्या होगा and, ठीक है। ये आपको क्या करना है ध्यान, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। अब आपको यदि पोल स्ट्रेंथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो यदि कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, अब देखो क्या है यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो जो बार मैग्नेट का लेंथ होगा वही हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहां देखो सॉल्यूशन में हमने एक बार मैग्नेट मान लिया, थोड़ा सा मोटा चौड़ा मानता हूं है ना, हेल्दी, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल है और इस साउथ पोल, इसका लेंथ मैंने मान लिया, देखो टोटल लेंथ हमने क्या माना है, एल मान लिया, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यही मान लेंगे, ठीक है। क्रॉस इसका यदि पोल स्ट्रेंथ क्या हो m होगा तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा m इंटू क्या हो जाएगा, यही होगा ना m इक्वल, ये दिया होगा। तो
अब क्या किया गया है, क्वेश्चन समझ में आया ना, हमने कोई बार मैग्नेट माना जिसका लेंथ क्या है, एल है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल एम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, एम इंटू एल होता है, क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, तो एम इंटू एल। अब मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा कि मैग्नेटिक लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया होगा तो हम आइडियल केस कंसीडर करेंगे, और आइडियल केस में क्या क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ दोनों क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, सेम होता है। अब क्या है, आपको यदि देखो क्या होगा कि एम और एल, अब देखो क्या होगा यहां कि व्हेन क्या होगा, व्हेन बार मैग्नेट इज ब्रोकन अलोंग इट्स क्या होगा, लेंथ, तो लेंथ के अलोंग तो एल क्या हो जाएगा यार, यहां एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आया क्या, अरे एल तो कांस्टेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम। अरे सही बताया क्या यार, ऐसे तुम तोड़ो है ना, ऐसे तोड़ो, देखो ऐसे पार्ट में करो लेंथ के अलोंग, ऐसे तो लेंथ तो सेम हो रहा है ना, तो लेंथ कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ हो गया, और पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात समझ में आया, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 अपॉन क्या होगा, A1। अरे सही, ये समझ में आया क्या, मैंने इसके पहले क्लास में बताया था, इसके पहले लेक्चर में बताया था कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ही पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन A1। अब n इक्वल पार्ट्स में देखो इधर डिवाइड कर रहे हो, यही है ना यार, ऐसे डिवाइड कर रहे हो ऐसे n इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, A अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या सही है, ये समझ में आया ना। अरे टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ईच पार्ट का एरिया क्या होगा, a by n plus a by n plus a by n, सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा। अब यहां से आप बता सकते हो कि यदि मैं लिखूं कि m dash का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट अपॉन क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a अपॉन क्या लिखेंगे, a1, सही है, और a अपॉन a1, तो देखो तो a अपॉन क्या लिखेंगे, a1, a अपॉन क्या हो जाएगा, n, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे है ना, a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसको यहाँ आप लिखोगे इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों केस में क्या होगा, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, n y क्या हो जाएगा, m y क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, m dash is equal to क्या होगा, m y क्या हो जाएगा, this is क्या होगा, magnetic moment of new magnet, each magnet ऐसे लिख देते हैं, each new magnet, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट और दिस इज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यदि मैं लिख दूं कि इफ क्या होगा, इफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा यार,
देन क्या हो जाएगा, देन एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई टू हो जाएगा, एन इक्वल टू थ्री होगा, तो एम बाई थ्री एम बाई फोर, ठीक है। ये क्या होगा व्हेन बार मैग्नेट इज ब्रोकन अलोंग इट्स लेंथ। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, है कि व्हेन बार मैग्नेट इज, दोनों केस में सेम होता है याद रखना। दूसरे केस में क्या होगा, बी में जो दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, कि व्हेन व्हेन बार मैग्नेट मैग्नेट इज ब्रोकन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगेन मैग्नेटिक मोमेंट का तो फॉर्मूला वही है, एम इंटू क्या हो जाएगा। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। क्यों क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई मीन ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। देखो इधर यही क्या है, बार मैग्नेट है ना, एन और एम, इसको ऐसे एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका क्या है सेम है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन, और ईच पार्ट का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन हम लिख सकते हैं एम वन अपॉन क्या होगा, एम टू इक्वल टू क्या होगा, एल वन अपॉन क्या हो जाएगा। अब यहाँ ईच पार्ट का लेंथ क्या होगा, एल डैश यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन क्या होगा, सही है। तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम एम अपॉन क्या हो गया। तो हर केस में मैग्नेटिक मोमेंट का जो आइदर क्या हो, लेंथ के पैरेलल और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करो, इक्वल पार्ट्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। दोनों केस में क्या हुआ, आइदर देखो यहाँ भी एम बाई एन आया और इधर भी क्या आया, एम बाई एन आया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक दो और न्यूमेरिकल्स होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।